अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल द रेसिपी बॉक्स। आज हम बनाएंगे चिकन मंचूरियन। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बना हुआ है और बेस्ट पार्ट इसमें ये है कि आप इसमें अपनी मर्ज़ी के सॉसेस एडजस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक रेसिपी है और यू आर गोइंग टू लव इट। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डू द चिकन मैरिनेशन। इसके लिए हम लेंगे चिकन और इसको हम पतला कट करेंगे सेंटर से और फिर इसको कट करेंगे बीच में से एंड फिर इसको हम हैमर करेंगे ताकि ये टेंडर मॉइस्ट हो जाए, सॉफ्ट हो जाए बहुत। फिर इसके ज़्यादा छोटे पीसेस हम नहीं करेंगे, मोस्टली स्क्वायर ही होंगे पीसेस और ज़्यादा थिक ना हो। इसके बाद हम इसको बोल में रख के इसमें सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, सारी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और इसके बाद फिर विनेगर एंड ब्लैक पेपर पाउडर, फिर इसमें सोया सॉस डालेंगे और इसको मिक्स करके इसमें एक एग बीट करेंगे फोर्क की मदद से, इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद कॉर्न फ्लोर और कॉर्न स्टार्च डालेंगे। इसके बाद इसमें मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर जाएगा। इसको सबको कवर करके हमने मैरिनेट कर देना है 1 घंटे के लिए। फिर 1 घंटे बाद एक पैन में हम ऑयल लेंगे, कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा ये गरम हो जाए, ज़्यादा गरम ना हो। इसमें हम एक एक पीस अलग-अलग डालेंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना। फिर थोड़ी देर बाद इसको हम फ्लिप करेंगे और इसको पकने देंगे। जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए, कम्प्लीटली कुक हो जाए, फिर हम इसको निकाल देंगे। सॉस बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे ऑयल और उसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। हम इसको पेस्ट भी ले सकते हैं और हम इसको चॉप्ड भी ले सकते हैं। ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना, हमने इसका कलर नहीं चेंज करना। इसमें हमने फिर रेड चिली पाउडर डाल देना है, आपने अपनी मर्ज़ी से डाल देना है जितना आपको स्पाइसी ज़्यादा चाहिए। मुझे 2 टीस्पून बिल्कुल ठीक लगा। एक बोल में गर्म पानी में हम एक चिकन क्यूब डाल देंगे, 1 से 1.5, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, वो हम साइड पे रख देंगे मिक्स होने। फिर हम इसमें सॉल्ट डालेंगे और फिर इसमें केचप डाल देंगे। इसका फ्लेवर बिल्कुल ज़्यादा केचपी नहीं होगा, इसमें अच्छा सा फ्लेवर आएगा। केचप का बिल्कुल आपको फील ही नहीं होगा। ये बहुत ज़रूरी है केचप, बिकॉज़ मंचूरियन में केचप ही इस्तेमाल किया जाता है। विनेगर डाल देंगे, सिरका, और फिर इसको मिक्स करते रहेंगे। हमने मिक्स इतना करना है कि हमने आंच ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, लेकिन इसको नीचे से हमने मुसलसल मूव करना है ताकि ये जले ना। इसमें फिर हमने चीनी डाल देनी है और यखनी, वो जो चिकन स्टॉक हमने मिक्स किया था पानी में, ये शामिल करके हम इसको मिक्स करते रहेंगे और इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक होने तक हम इसको पकाएंगे। आपको ज़्यादा सॉसी चाहिए तो आप पानी 1 कप से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मुझे ज़्यादा सॉसी पसंद नहीं है तो मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला, लेकिन ये ज़्यादा वाटरी भी नहीं होगा। इसकी सॉस काफ़ी थिक सी बनेगी। ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दें, 1 भी काफ़ी होगी। इफ़ यू वांट तो आप 2 भी डाल सकते हैं। फिर जो चिकन था हमने पहले से पकाया था वो हम इसमें मिक्स कर देंगे और हल्का हल्का हम इसको चम्मच चलाएंगे ताकि चिकन की कोटिंग ना उतरे। इस वक्त आप इसमें देख लें कि अगर आपको नमक ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हल्का सा सिमर होने तक हम इसको कुक करेंगे ढक्कन रख के। चिकन भी वो सारा सॉस एब्जॉर्ब कर लेगा और फ्लेवरफुल होगा बहुत ज़्यादा। इसको फिर हमने स्प्रिंग अनियंस लेने, वो इसके ऊपर हमने डाल देने हैं और इट्स रेडी। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत अच्छी। इट हैज़ अ वेरी ऑथेंटिक टेस्ट एंड इट्स वेरी वेरी डिलिशियस। यू आर गोइंग टू लव इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब।